नमस्कार दोस्तों दोस्तों 15,000 का बजट बेस्ट होता है किसी भी कैटेगरी का स्मार्टफोन परचेज करने के लिए। सो आपका भी बजट 15,000 है और आप 5G बेस्ट ऑल राउंडर स्मार्टफोन परचेज करना चाहते तो आप सही वीडियो पर आए हैं, क्योंकि इस वीडियो में आपको टॉप 5 बेस्ट ऑल राउंडर 5G स्मार्टफोन के बारे में बताऊंगा जो कि 15,000 के बजट में आते हैं। इन स्मार्टफोन में आपको बेस्ट कैमरा क्वालिटी देखने को मिलेगी, 5G प्रोसेसर देखने को मिलेगा, अच्छी रैम देखने को मिलेगी और लॉन्ग बैटरी भी देखने को मिलेगी। सो वीडियो को स्किप किए बिना वीडियो को पूरा देखना, तभी अपने लिए बेस्ट स्मार्टफोन चूज कर पाएंगे। अब बिना किसी इंट्रो के साथ वीडियो को हम करते हैं स्टार्ट। वीडियो की शुरुआत हम 5th नंबर से करें तो 5th नंबर पे नाम आता है इन्फिनिक्स हो 20 5G का। दोस्तों अगर आपका बजट 13,000 है और आप एक 5G स्मार्टफोन परचेज करना चाहते हैं, ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा, क्योंकि इसमें आपको 5G नेटवर्क के साथ अच्छा प्रोसेसर और अच्छी डिस्प्ले भी देखने को मिलेगी। चलिए अब हम स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन की शुरुआत इसके डिजाइन से करें तो इस स्मार्टफोन का बैक पूरा प्लास्टिक का बना हुआ है। इस स्मार्टफोन में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा। वेट के तौर पर स्मार्टफोन का वेट 204 ग्राम है और ये स्मार्टफोन 8.93 mm की थिकनेस के साथ आता है। स्मार्टफोन में आपको लाउड स्पीकर देखने को मिलेगा और ऑडियो जैक के तौर पर इसमें आपको 3.5 mm का ऑडियो जैक देखने को मिलेगा और ये स्मार्टफोन आपको 3 कलर ऑप्शन में मिल जाएगा। चलिए अब हम स्मार्टफोन के मेन स्पेसिफिकेशन के ऊपर नज़र डालें तो इसमें आपको 6.6 इंच का IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगा जो कि 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है, जिसकी वजह से आपके स्मार्टफोन की डिस्प्ले काफ़ी स्मूथ चलेगी। और गेमिंग और मल्टीटास्किंग के लिए स्मार्टफोन में आपको MediaTek Dimensity 810 का बेहतरीन प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जिससे आप हैवी गेमिंग और मल्टीटास्किंग कर पाएंगे। और स्मार्टफोन में आपको 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलेगी। अब हम फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए इसके रियर कैमरे को ऊपर नजर डालें तो इसके रियर में आपको सिंगल रियर कैमरा सेटअप ही देखने को मिलेगा जो कि 50MP का प्राइमरी कैमरा होगा। और फ्रंट में आपको 8MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा। बैटरी लाइफ के बारे में हम बात करें, इसमें आपको 5000mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिलेगी जो कि USB टाइप सी के चार्जिंग जैक के साथ आता है। ये थे स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन। अब हम स्मार्टफोन के प्राइस के ऊपर नजर डालें तो ये स्मार्टफोन का प्राइस 12,999 रुपये है। चलिए दोस्तों अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हुए 4th नंबर के बारे में हम बात करें तो 4th नंबर पे नाम आता है Vivo T1 का। दोस्तों Vivo के स्मार्टफोन में आपको चाहे अच्छा प्रोसेसर देखने को ना मिले, चाहे अच्छी डिस्प्ले देखने को ना मिले, पर इस स्मार्टफोन में आपको कैमरे क्वालिटी बहुत अच्छी देखने को मिलती है। चलिए पहले हम इस स्मार्टफोन के डिजाइन के ऊपर नजर डालें। स्मार्टफोन का बैक पूरा प्लास्टिक का बना हुआ है। इस स्मार्टफोन में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा। वेट के तौर पर स्मार्टफोन का वेट 187 ग्राम है और ये स्मार्टफोन 8.2 mm की थिकनेस के साथ आता है। कलर ऑप्शन के बारे में हम बात करें तो ये आपको मार्केट में 3 कलर ऑप्शन में मिल जाएगा और इस स्मार्टफोन में आपको लाउड स्पीकर और 3.5 mm का ऑडियो जैक भी देखने को मिलेगा और इस स्मार्टफोन में आपको 5G का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। चलिए अब हम स्मार्टफोन के मेन स्पेसिफिकेशन की शुरुआत हमेशा की तरह इसके डिस्प्ले से करें तो इसमें आपको 6.58 इंच का IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगा जो कि 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है। और गेमिंग और मल्टीटास्किंग के लिए इसमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 का बेहतरीन प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जिससे आप स्मूथली गेमिंग और मल्टीटास्किंग कर पाएंगे। और रैम के तौर पर इसमें आपको 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलेगी। ये रही स्मार्टफोन के प्रोसेसर के बारे में बात। अब हम वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के लिए इसके रियर कैमरे के ऊपर नजर डालें तो इसके रियर में आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा जो कि 50MP का इसका प्राइमरी कैमरा होगा। अदर कैमरे के तौर पर इसमें आपको 2MP का मैक्रो कैमरा और 2MP का डेप्थ कैमरा देखने मिलेगा, जिससे आप फुल HD 30fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। और फ्रंट में आपको 16MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा और इस स्मार्टफोन में आपको 5000mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिलेगी जो कि 18W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करेगी और ये स्मार्टफोन Android 12 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। चलिए अब हम नज़र डालें स्मार्टफोन के प्राइस के ऊपर। ये स्मार्टफोन आपको 14,499 रुपये में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों अब हम बात करें 3rd नंबर की तो 3rd नंबर पर नाम आता है सैमसंग गैलेक्सी F23 5G का। दोस्तों अगर आप नॉन चाइनीज स्मार्टफोन परचेज करना चाहते तो मेरे ख्याल से ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। पहले हम इस स्मार्टफोन के डिजाइन के ऊपर नजर डालें तो स्मार्टफोन का बैक पूरा प्लास्टिक का बना हुआ है। इस स्मार्टफोन में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा। वेट के तौर पर स्मार्टफोन का वेट 198 ग्राम है और ये स्मार्टफोन 8.4 mm की थिकनेस के साथ आता है। कलर ऑप्शन के बारे में हम बात करें तो ये आपको मार्केट में 3 कलर ऑप्शन में मिल जाएगा और इस स्मार्टफोन में आपको लाउड स्पीकर और 3.5 mm का ऑडियो जैक भी देखने को मिलेगा और ये स्मार्टफोन 5G सपोर्ट के साथ आता है। चलिए अब हम स्मार्टफोन के मेन स्पेसिफिकेशन के ऊपर नज़र डालें तो स्मार्टफोन में आपको 6.6 इंच का TFT डिस्प्ले देखने को मिलेगा जो कि 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है, जिसमें आपको कॉलिंग गोरिल्ला ग्लास V5 का प्रोटेक्शन भी देखने को मिलेगा।
और गेमिंग और मल्टीटास्किंग के लिए इसमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 750G का बेहतरीन प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जिससे आप हैवी से हैवी गेमिंग और मल्टीटास्किंग कर पाएंगे। और स्मार्टफोन में आपको 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलेगी। अब हम बात करें स्मार्टफोन के रियर कैमरे के बारे में, तो इसके रियर में आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जो कि 50MP का इसका प्राइमरी कैमरा होगा। अदर कैमरे के तौर पर इसमें आपको 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और 2MP का मैक्रो कैमरा देखने को मिलेगा, जिससे आप 4K 30fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। और फ्रंट में आपको 8MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा। और इस स्मार्टफोन में आपको 5000mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिलेगी, जो कि 25W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। और ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 12 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। ये थे स्मार्टफोन की मेन स्पेसिफिकेशन। अब हम स्मार्टफोन के प्राइस के ऊपर नज़र डालें, ये स्मार्टफोन आपको 14,499 रुपए में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हुए सेकंड नंबर के बारे में हम बात करें, तो सेकंड नंबर पे नाम आता है कि G6 5G का। दोस्तों, अगर आप 15,000 के बजट में बेस्ट ऑलराउंडर 5G स्मार्टफोन परचेज करना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा, क्योंकि स्मार्टफोन में आपको बेस्ट स्पेसिफिकेशन देखने को मिलेंगे। तो स्मार्टफोन का बैक पूरा प्लास्टिक का बना हुआ है। इस स्मार्टफोन में आपको साइड माउंटेन फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा। वेट के तौर पर स्मार्टफोन का वेट 185 ग्राम है और ये स्मार्टफोन 8.2mm की थिकनेस के साथ आता है। कलर ऑप्शन के बारे में हम बात करें, तो ये आपको मार्केट में 2 कलर ऑप्शन में मिल जाएगा। और इस स्मार्टफोन में आपको लाउडस्पीकर और 3.5mm का ऑडियो जैक देखने को मिलेगा। और ये स्मार्टफोन 5G सपोर्ट के साथ आता है। चलिए अब हम स्मार्टफोन के मेन स्पेसिफिकेशन के ऊपर नज़र डालें, तो स्मार्टफोन में आपको 6.58 इंच का IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जो कि 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है। और गेमिंग और मल्टीटास्किंग करने के लिए इसमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 का बेहतरीन प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो कि 6 नैनोमीटर फैब्रिकेशन पर काम करता है। और इसमें आपको 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलेगी। चलिए अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हुए स्मार्टफोन के रियर कैमरे के ऊपर नज़र डालें, तो इसके रियर में आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जो कि 50MP का इसका प्राइमरी कैमरा होगा। अदर कैमरे के तौर पर इसमें आपको 2MP का मैक्रो कैमरा और 2MP का डेप्थ कैमरा देखने को मिलेगा, जिसमें आप फुल HD 30fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। और फ्रंट में आपको 16MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा। और इस स्मार्टफोन में आपको बैटरी लाइफ के तौर पर इसमें आपको 5000mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, जो कि 18W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। और ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 12 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। चलिए अब हम स्मार्टफोन के प्राइस के ऊपर नज़र डालें, तो ये स्मार्टफोन आपको 15,499 रुपये में मिल जाएगा। सो दोस्तों, फाइनली अब हम बात करें फर्स्ट नंबर की, तो फर्स्ट नंबर पे नाम आता है मोटो G62 5G का। दोस्तों, हम स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन की शुरुआत इसके डिज़ाइन से करें, तो स्मार्टफोन का बैक पूरा प्लास्टिक का बना हुआ है। इस स्मार्टफोन में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा। वेट के बारे में हम बात करें, स्मार्टफोन का वेट 184 ग्राम है और ये स्मार्टफोन 8.5mm की थिकनेस के साथ आता है। कलर ऑप्शन के बारे में हम बात करें, तो ये आपको मार्केट में 2 कलर ऑप्शन में मिल जाएगा। और इस स्मार्टफोन में आपको लाउडस्पीकर और 3.5mm का ऑडियो जैक भी देखने को मिलेगा। और ये स्मार्टफोन 5G को सपोर्ट करता है। और स्मार्टफोन को पानी से बचाने के लिए इसमें आपको IP52 की रेटिंग भी देखने को मिलेगी। चलिए अब हम बात करें स्मार्टफोन के मेन स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो इसमें आपको 6.5 इंच का IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जो कि 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है। और स्मार्टफोन में आपको गेमिंग और मल्टीटास्किंग के लिए इसमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 का बेहतरीन प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जिसमें आपको 6GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलेगी। चलिए अब हम फोटोग्राफिंग और वीडियोग्राफिंग के लिए इसके रियर कैमरे के ऊपर नज़र डालें, तो इसके रियर में आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जो कि 50MP का इसका प्राइमरी कैमरा होगा। अदर कैमरे के तौर पर इसमें आपको 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और 2MP का मैक्रो कैमरा देखने को मिलेगा, जिससे आप 4K 30fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। और स्मार्टफोन के कैमरे में आपको डुअल वीडियो रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा। और फ्रंट में आपको 16MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा। ये रही स्मार्टफोन के कैमरे के बारे में बात। अब हम बैटरी लाइफ के ऊपर नज़र डालें, तो स्मार्टफोन में आपको 5000mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, जो कि 20W टर्बो चार्जिंग सपोर्ट करती है। और ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 12 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। चलिए दोस्तों, अब हम आखिर में बात कर लें स्मार्टफोन के प्राइस के बारे में, तो स्मार्टफोन का प्राइस 16,499 रुपये है। पर दोस्तों, अगर आप इस स्मार्टफोन को किसी डिस्काउंट के तहत या किसी ऑफर के तहत इस स्मार्टफोन को परचेज करते हैं, तो ये आपको 15,000 के बजट में मिल जाएगा।
सो दोस्तों ये थे टॉप 5 बेस्ट 5G ऑल राउंडर स्मार्टफोन जो कि 15,000 के बजट में आते हैं। आपको इनमें से कौन सा स्मार्टफोन अच्छा लगा मुझे कमेंट कर जरूर बताएं। दोस्तों इन 5 स्मार्टफोन को देखकर आप कंफ्यूज तो हो ही गए होंगे कि आप इन 500 में से कौन सा स्मार्टफोन परचेज करें। सो दोस्तों अगर मैं अपनी तरफ से आपको एक स्मार्टफोन सजेस्ट करूँ तो मेरे हिसाब से आपको IQ G6 5 के साथ जाना चाहिए, क्योंकि ये एक 5G ऑल राउंडर स्मार्टफोन है जिसमें आपको बेस्ट कैमरा क्वालिटी डिस्प्ले के साथ आपको एक अच्छा खासा 5G प्रोसेसर भी देखने को मिलता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया पर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें, क्योंकि काफी रिसर्च और काफी मेहनत के बाद ही हम आपके लिए बेस्ट स्मार्टफोन की लिस्ट ले आ पाते हैं। आपका ये वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।